मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बाबूजी वरिष्ठ राष्ट्रीय श्रीमान चंदा बाबूजी जैन साहब से दो शब्द यहां पर आकर उत्तम क्षमा के इस पावन अवसर पर प्रेषित करें और उसके बाद नमो सिद्धार्णम् नमो आयरियाणम् नमो वैजायाणम् नमो लोये सविसाहूर्णम् चाणकिदैटिकम्मे निम्मल सुविशुद्ध लधि सौभावी इणमियोण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, प्रिय भगवान महावीर स्वामी की, प्रिय गणाचार्य गुरुदेव श्री वराग सागर जी महाराज की, प्रिय बरासों वाले बाबा की, प्रिय 10 लक्षण धर्म की। बोलिए राज संत मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की। महानुभाव अपनी गाड़ी निर्धारित समय से 1.5 घंटे लेट चल रही है, और वो इसलिए चल रही है कि आज क्षमा वाणी है, क्योंकि क्षमा वाणी में उस ट्रेन में सभी लोग क्षमा मांगने, कोई क्षमा करने जा रहा है और कोई क्षमा मांगने जा रहा है, इसलिए वो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। महानुभाव आज उत्तम क्षमा का दिन है। काय का दिन है? उत्तम क्षमा का नहीं, क्षमा वाणी का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म को तो हम लोगों ने 3 तारीख को समझ लिया था, आज समझने का दिन नहीं, आज अपनाने का दिन है कि उस क्षमा को आपने अपनाया है कि नहीं अपनाया। अच्छा एक बार बतलाओ, सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो वेदी के सामने, तो दर्शन कैसे करते हो? कैसे करते हो? करो दर्शन करके तो बताओ, थोड़ा सा हाथ जोड़ो। ये हाथ बड़ा खतरनाक है, ये जुड़ता नहीं है। तो क्या हुआ, हाथ जोड़ते हैं अपन भगवान को, फिर क्या देखते हो भगवान में, क्या देखते हो प्रदीप जी, क्या देखते हैं अपन भगवान में दर्शन करते समय, क्या देखते हैं? तो अपन देखें, गौतम स्वामी महाराज ने हमें बतलाया कि भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए। तो अभी तो आप लोग मेरी समझ से कितना टाइम लगता है भगवान को देखने में? मनोज जी कितना टाइम लगता है? बहुत जल्दी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। पर दर्शन करने का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब ही अवलोकन करना, भगवान का अवलोकन करना। जब कभी हम चैत्य भक्ति गौतम गर्धर स्वामी महाराज के द्वारा रची हुई जब पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि भगवान के दर्शन सर से शुरू करो, मस्तक को देखो, उनकी आँखों को देखो, उनके गालों को देखो, उनके ओष्ठ को देखो, फिर धीरे धीरे उतरते आओ, फिर उनके हाथों पर जाओ, फिर उनके चेष्ट पर जाओ, और जब चेष्ट पर बन जाते हैं तो एक दृष्टि पड़ती है, एक फूल बना रहता है। क्या बना रहता है? फूल। देखा है ना, कितने लोगों ने नहीं देखा, समझ देखा है, एक फूल बना रहता है चेष्ट पर। कभी आपके मन में ये विचार आया कि ये फूल किस चीज का है, ये फूल क्यों बनाया जाता है मूर्ति के ऊपर? कभी विचार किया?
कि मात्र खाली अपन बस एक ही काम में रहते कि हाँ जोड़ो पीछा छोड़ो। तो हर प्रतिमा जब जब भी कोई शिल्पीकार एक प्रतिमा बनाता है, चाहे धातु की बनाए, चाहे सोने की बनाए, चाहे चांदी की बनाए, चाहे पाषाण की बनाए, वो चेष्ट पर एक फूल जरूर बनाता है। अब वो फूल किस बात का प्रतीक है? तो जो वह फूल है वह श्री वत्स का चिन्ह कहलाता है। किसका चिन्ह कहलाता है? श्री वत्स का। पर वो हम लोगों की चेष्ट पर क्यों नहीं है? हम लोगों की चेष्ट पर क्यों नहीं है, है ना? क्योंकि हमारे अंदर वात्सल भाव नहीं है, हमारे अंदर वात्सल भाव नहीं है। और तीर्थंकर भगवान के पास वात्सल भाव है, इसलिए अपन देखें श्री वत्स का चिन्ह बनाया जाता है। अब ये वात्सल हम लोगों के पास भी वात्सल तो है, हमारे पास ही वात्सल है। और अपन देखें हर व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर ब्लड है। कितना है? 5 लीटर। और उस 5 लीटर ब्लड में सारा का सारा रेड कलर का है। किस कलर का है? रेड कलर का। और जब कभी हम तीर्थंकर भगवान की बात करते हैं तो उनके पूरे शरीर में वाइट ब्लड होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का। जैसे दूध की धारा होती है ऐसे उनके पूरे शरीर में जो खून होता है वो सफेद रंग का होता है। अब वो प्रश्न पूछा गया कि भाई हमारे शरीर के अंदर लाल रंग क्यों और भगवान के अंदर सफेद रंग का खून ऐसा क्यों? तो आचार्यों ने एक बहुत सुंदर बात कही कि तीर्थंकर भगवान के पास पूरे शरीर में ही नहीं एक एक रोम रोम में वात्सल भरा हुआ है, और उस वात्सल का प्रतीक है सफेद ब्लड होना। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है भाई, वात्सल से सफेद रंग का क्या मतलब है? तो अपन देखेंगे वात्सल उन्हें प्राणी मात्र से वात्सल है, और हमें कितने लोगों से वात्सल है? हमें हम लोगों को घर के जो जितने फैमिली मेंबर हैं, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, हमें उन लोगों से वात्सल है। मगर उन लोगों से वात्सल तो है पर वो वात्सल कुछ समय का है। जब बच्चा पैदा होता है तब माँ को सबसे ज्यादा वात्सल बच्चे से पैदा होता है। और यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा कि इतना वात्सल उत्पन्न होता है उस माँ को अपने बच्चे के प्रति, इतना वात्सल उत्पन्न होता है कि उस माँ के आंचल में दूध की धारा बह पड़ती है। जब तक लड़की के बच्चे को पैदा नहीं करेगी जब तक उसके आंचल से दूध नहीं बहेगा, पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे के पैदा होते ही उसके आंचल से दूध की धारा बह जाती है, ये उसकी वात्सल का प्रतीक है। और आचार्यों ने कहा कि जब एक माँ को अपने छोटे से बच्चे के प्रति इतना वात्सल है कि उसके आंचल से दूध की धारा टूट पड़ती है, तो तीर्थंकर भगवान को तो प्राणी मात्र के जीवों से वात्सल है। इस उनके पूरे शरीर में सारा का सारा ब्लड भी जो है जो लाल हो सकता था पर वो सफेद हो जाता है। महानुभाव आज ऐसे उन तीर्थंकर भगवान की बात से अपनी बात को शुरू करें। आज काय का दिन है? हम लोग महज यहां कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आए, ये ध्यान रखना। हम लोग यहां बैठे हैं किस बात को लेके बैठे हैं? क्षमा। और क्षमा खाली हाथ जोड़नी, हाथ नहीं जोड़ना है। आज क्षमा को दिल से करना है, और दिल से करना है तो दिल से करने के लिए क्यों? क्योंकि आचार्यों ने क्षमा वाणी को सबसे बाद में क्यों रखा? परुषण पर्व के बाद क्या कारण है पहले रख देते? भाई पहले क्षमा करवा देते फिर पूजा करवाते तो पूजा में मन लगता, कम से कम मन सही हो जाता। तो पहले क्षमा वाणी होना थी, बाद में होना था परुषण पर्व। कि भाई जिससे बैर विरोध है, प्रदीप जी ने जैसे ही बताया कि हम 2 व्यक्तियों को आपस में मिलवाया, पहले मिलवा देते फिर पूजा करते तो कम से कम 10 दिन लोग पूजा तो करते अच्छे से दोनों मिलकर के। पर नहीं, पहले पूजा नहीं, पहले उन्होंने कहा कि पहले पूजा पाठ करो बाद में मिलवाएंगे परुषण पर्व के बाद। बोले क्यों? बोले ये 10 दिन जो हैं क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य, पहले इस जमीन को उपजाऊ बनाओ। कोई भी किसान
सहसा जमीन पर पहले बीज नहीं डालता है, पहले उस जमीन को उपजाऊ बनाता है, हल चलाता है, उस जमीन को सही करता है, नीचे की मिट्टी जो दबी हुई है उसको उखाड़ करके क्या करता है, खुशनुमा बनाता है ना, और फिर जाकर के उसमें बीज डालता है, डालता ही डालता है ना। और बीज डलने के बाद, बीज डलने के पहले भी जमीन को अच्छी फुसफुसी होने की जरूरत है, ठोस जमीन हो, दबी हुई जमीन हो, उसमें बीज डालने से बीज को पीकेगा नहीं, बीज ना अंदर डाल पाएंगे, जैसे जमीन को पहले सही करना पड़ेगा, जैसे कहते जोतना, क्या बोलते हैं कि भाई आज जमीन जो है उसको जोता जा रहा है जिससे कि उसमें बीज डाला सके, है ना। तो वहां पर उस जमीन को अपन जोतते हैं, ऐसा जोतने कहते ना, है ना, कहते ना ऐसे ही। तो उस जमीन को अपन ने क्या किया, पहले उपजाऊ बनाया, फिर बीज डाला, फिर बीज डालने के बाद अब हम ऊपर की ओर निहारते हैं, कहां ऊपर, मेघराज की तरफ, कि भाई देखो मैंने अपना काम कर दिया है, जमीन भी सही कर दी है, बीज भी डाल दिया है, अब तेरे भरोसे हैं, अब तू क्या कर दे, पानी बरसा दे। और पानी बरसा दे तो क्या होगा, जिस मिट्टी में मैंने बीज डाला है तू पानी डालेगा, धूप सूरज से कहेंगे तू क्या करेगा, सूर्य की किरणें भेजेगा, उससे क्या होगा, वो बीज को जब सूर्य की किरणें मिलती हैं, हवा मिलती है, पानी मिलता है, सो बीज क्या करता है, पीक जाता है, और वह बीज दो स्थान से फूटता है, नीचे से फूटता है वो जड़ का काम करता है, ऊपर से फूटता है वो फसल का काम करता है। तो दो स्थान से बीज फूट जाता है। आचार्य बोल रहे हैं कि वह बीज का काम हम लोगों ने 10 दिन पूजा के रूप में कर दिया, पहले के शुरू में क्षमा धर्म को अपना करके उस जमीन को क्या किया, जोत लिया, क्षमा के बाद अब उसमें काय का बीज डाला, मार्दव धर्म का, फिर आर्जव धर्म का, सोच धर्म का, संतोष करके डाल दिया, भाई तब हमें इतने चाहिए, और उसका सत्य धर्म का, एक एक धर्म को करते करते हमने बीज डाल दिए, और उसके बाद क्या हुआ, आज क्षमा वाणी, अब उसका रिजल्ट, फसल बाहर आई कि नहीं। ये तो किसान अपन देखते हैं, जब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मान लो उसकी फसल तैयार नहीं होती है तो कुछ दिनों में ही अखबार में, इलेक्ट्रिक मीडिया में खबर आ जाती है कि आज किसानों ने आत्महत्या की। कब करता है आत्महत्या किसान, जब उसको इतनी मेहनत करने के बाद उसका फल नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, आत्महत्या करता है, कि भाई हमारा कर्जा चढ़ गया, इतना पैसा हमने उठाया था, जमीन से आस थी, है ना, अब वो हमारी आस पूरी नहीं हुई, इसलिए क्या हुआ कि भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। सुनते हो ना तुम लोग, ये बात सुनते हो, पढ़ते हो, हाँ। अब यही बात हम लोगों की भी तो है, क्योंकि कृषि करने का उपदेश किसने दिया, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने दिया, उन्होंने कहा या तो कृषि बन जाओ या ऋषि बन जाओ, किसान बन जाओ या हम जैसे ऋषि बन जाओ। तो पर क्या कर दिए, उन 10 दिनों में हम लोगों ने जो मेहनत की है, आज फसल काटने का दिन है, और फसल काटने का दिन यह है कि आज आपके, जब व्यक्ति 10 दिन की पूजा कर लेता है, अभी अपन देख रहे थे प्रवचन के पहले सब लोगों को क्यों बुलाया गया, कि अपन देखे किसी ने अगर एक उपवास भी किया है, किसी ने 2 उपवास किए हैं, किसी ने 10 दिन एकासन किया है, तो उसका अपन ने यहाँ सम्मान किया। अब वो सम्मान उनका नहीं था, वो सम्मान था उनकी आत्मा के प्रति जो एक श्रद्धा उत्पन्न हुई। जिस व्यक्ति की जब तक आत्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी त्याग तपस्या नहीं कर सकता। पूजा पाठ तो कोई भी कर लेगा, पूजा पाठ करने में क्या है, खा पी के जाके पूजा करने के बाद खा पी लो आराम से, क्या दिक्कत है। मगर जब अपनी आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, या पूजा कम कर लेंगे पर उपवास करेंगे, एक टाइम खाएंगे, शरीर को थोड़ा सा कष्ट देंगे जिससे कि हमारे शरीर में सहनशीलता बढ़ जाए। अभी सहनशीलता की कमजोरी है, सहनशीलता हमारे पास कम है, जैसे मान के पेशेंस नहीं है भाई, पेशेंस
बोलते ना अपन, पेशेंस नहीं है। और पेशेंस नहीं होने से छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि अपन देखें आज की जो नई शादियाँ होती हैं, और पेशेंस के अभाव में ही वो शादियाँ 6 महीने में 8 महीने में डिवोर्स तक पहुँच जाती हैं। और एक हमारे माता पिताओं की वो शादी भी थी कि जहाँ पर इतने वर्ष हो चुके कि उनके बच्चे, उनकी उम्र के उनके बच्चे जो हैं उनके कद काठी में एक से हो गए, पर वो आज भी लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, पर कभी मन में डिवोर्स की बात नहीं आती। आती है क्या? और कितनी बातें इग्नोर होती जाती हैं, इग्नोर करना सीख जाता है भाई कि इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, है ना। जिससे कि इग्नोर कौन करेगा, जो परिवार को, रिश्ते को बचाना चाहता है, जो चाहता है कि नहीं मैंने इसको एक किसान की तरह कितने यत्न से इसको तैयार करने में मेहनत की है, रात रात में जाकर के वहां देखा है फसल को, इसलिए वो चाहता है कि हमारी फसल नष्ट ना हो। ऐसे ही जो व्यक्ति चाहता है हमारा भरा भला परिवार, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, है ना, वो क्या करता है, कुछ समझौते भी कर लेता है और गलतियों को इग्नोर कर देता है और कहता है क्षमा भाव, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी गलती से परिवार को तोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी गलती से रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, मैं इस रिश्ते को बना के रखना चाहता हूँ। तो महानुभाव आज उस क्षमा को, क्योंकि 10 दिन में ये ध्यान रखना, जब भी कोई किसी को बीमारी होती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, तो अपन देखते हैं डॉक्टर बार बार चेकअप करता है कि कहीं एक भी कीटाणु तुम्हारे शरीर में रह तो नहीं गया। अगर एक भी कीटाणु रह गया शरीर के अंदर तो वह फिर से पुनः उत्पन्न हो जाएगा, हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को आशंका है। तो डॉक्टर क्या करता है, एक भी कीटाणु उस बीमारी का शरीर के अंदर रह ना जाए, जब वो देखता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब आप बिल्कुल ठीक हो। अपन देखें कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारी काया में कोई कीटाणु छूट तो नहीं गए, क्रोध के, मान के, मायाचारी के, लोभ के, अगर छूट गए हैं तो अभी आगामी सालों में और ऑपरेशन होना बाकी है तुम्हारे, और अभी कीमियो होंगे। कीमियो खाली कैंसर का ही नहीं होता है, धर्म में भी कीमियो करता है, धर्म भी क्या करता है, अनादि काल से व्यवस्था चल रही है कि जो व्यक्ति ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है, मंदिर जाना ट्रीटमेंट चालू, डॉक्टर से परामर्श, जिनकी मूर्ति है वो उनका अस्पताल है, चेयरमैन है वो, और उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो गुरु होते हैं, गुरु, और गुरु के पास जाके हम परामर्श लेते हैं कि हे गुरुदेव हमें ये बतलाओ फलानी जन्म जरा रोग की बीमारी है, इस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाएं, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं ये बतलाओ। गुरु मौज मस्ती के लिए नहीं, गुरु तो सिर्फ परामर्श के लिए, डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, डॉक्टर मिलने की फीस लेता है, आप इलाज तो आपका बाद में होगा, पहले आप परामर्श करने जाओगे, मिलोगे, वो मिलने की फीस ले लेता है कि भाई इतनी फीस तुम्हारी है ही, आप इलाज करवाओ या ना करवाओ ये फीस हमारी है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फीस है ना, तो आप फीस, परामर्श की फीस अलग और ट्रीटमेंट की अलग, पर वो कहते डॉक्टर से परामर्श करके आए, बड़ी मुश्किल से समय मिला। ऐसे ऐसे डॉक्टर से हम लोग दिल्ली में थे, लोग सुनते थे, लोग कहते महाराज जी 15 दिन बाद की डेट दिए, 15 दिन बाद मिलेगा डॉक्टर, फिर ट्रीटमेंट कब होगा, अब वो तो डॉक्टर के ऊपर है, पहले तो मिलेगा, सिर्फ बातचीत करेगा, और बातचीत करने के बाद हम उसको बतलाएंगे क्या परेशानी है, वो हमारी परेशानी सुनेगा, सुनने के बाद वो कहेगा कि आपका ऑपरेशन होना है तो फलानी तारीख को आपका डेट दे देगा और ट्रीटमेंट चालू करेगा। आचरण बोलने की आसानी से वहाँ जब नंबर नहीं आता है, लोकल अस्पतालों में नंबर नहीं आता है, ये तो परलोक का अस्पताल है, इसमें नंबर आसानी से कैसे आ जाएगा। हम सोचते हैं कि एक थाली द्रव यहां से वहां चढ़ा दी और आप सोचते हो कि ऑपरेशन हो जाएगा, डॉक्टर मिल जाएंगे, नथिंग, थोड़ा सा वेट करो। और कितना वेट कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग एक पुरुषण पर्व में अगर हमारी बीमारी ठीक हो जाती तो आपको दूसरा पुरुषण पर्व, पुरुषण पर्व मनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने अपने जीवन में मात्र एक पुरुषण पर्व मनाया है, बस एक पुरुषण पर्व,
दूसरा मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, दीक्षा होगी। 24 सालों में एक पौष पर्व मनाया, एक बस, ओनली वन, एक पौष पर्व, और वहां जाकर सीधे डॉक्टर से मिल लिया, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, बार बार ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। बार बार ऑपरेशन का कोई काम नहीं, बार बार परामर्श का कोई काम नहीं, बार बार फीस नहीं दूंगा, एक ही बार की फीस में काम कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, आ जा बेटा ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो उन्होंने सीधे गए थे बंटी बन करके, निकले बेहर सागर बन के। तो पर्यूषण पर्व सार्थक हो गया, पर्यूषण पर्व सार्थक हो गया, और सार्थक ऐसा हो गया कि अब नस नस में, धड़कन धड़कन में, सांस सांस में, अब वो जैन धर्म के जो बीज गुरुदेव ने डाले हैं, जो दवा डाली है, वो दवा क्या होता है, वही दवा ऊपर से नीचे घूमती रहती है। और यही कारण है उठते बैठते खाते पीते, ऐसा नहीं कि हम मनहाज बन गए तो मौज मस्ती कर लो, मौज मस्ती का कोई काम नहीं। अनंत भवों के कर्मों की निर्जरा खाली पिछी का मंडल लेने से भी होने वाली नहीं है। अनंत भवों की बहुत बहुत ज्यादा कचरा है ना, अनंत भवों का, और अनंत भवों के संस्कार आचरण बोल रहे हैं कि अच्छे खासे मुनिराज के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। एक मुनिराज अच्छी खासी दीक्षा 22 साल जिनको हो चुके थे, और एक दिन शाम को उठ करके बोले कि जाने लगे नीचे की ओर, पूछा गया कहाँ जा रहे हो, बोले कि नमकीन से उखाना है। 22 साल जिनको दीक्षा लिए हो गए, और 22 साल बाद बोले कि एकदम अचानक उठे और बोले जाने लगे नीचे, उनको पकड़ा भैया कहाँ जा रहे हो महाराज, रात्रि में वो भी 12 बजे बोले कि हमें नमकीन से उखाना है। नमकीन से उखाना है, और महाराज ऐसी बात बोल रहे हो, अपन तो रात का त्याग करवाते हैं, रात का त्याग करवाते हैं, और आप कह रहे हो कि हम रात को नमकीन खाएंगे, कहाँ जा रहे हो खाने के लिए, बोले होटल में। बोले होटल में जाओगे, आप तो रात का त्याग करवाते हो, रात को खुद नहीं खाते हो, रात का नहीं खाने का उपदेश देते हो, और तुम रात को सेव खाने का इच्छा कर रहे हो, वो भी होटल में जाके खाओगे, ये भाव भी तुम्हारे अंदर आ गया। बोले हाँ, उपदेश मत दो, हमें सेव खाना है ना। कीटाणु छूट गया, अनादि के संस्कारों में से एक संस्कार छूट गया जो उदय में आ गया। कैसे खुश हो जाएं हम, कैसे खुश हो जाएं? इसलिए इतनी साधना का बल रखो, इतनी साधना का बल रखो कि कोई भी कीटाणु वापस आ ना पाए, इतना कीटाणु। अकाम निजरा, सकाम निजरा, अकाम निजरा का तरफ कदम बढ़ा के रखो, इतनी अकाम बढ़ा के रखो कि आचार्यों ने कहा अकाम निजरा क्या है कि एक तो शत्रु सामने आ रहा है, तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, तो उसको मारना। और अकाम नजरा का मतलब है शत्रु को आने की मौका ही मत दो, जहां शत्रु छुपा हुआ हो वहीं जाकर के उसको नष्ट कर दो, उसका नाम अकाम नजरा है। आने मत दो, इंतजार मत करो कि वो आएगा फिर बम फोड़ेगा, या वो कला उधम करेगा, बीमारी पैदा करेगा, है ना, फिर हमारे लिए घर में क्लेश उत्पन्न करवाएगा, हमारे घर को हमें मरने के लिए मजबूर कर देगा, उसका इंतजार नहीं है। त्यागी वृत्तियों के लिए कहा गया अकाम नजरा करो कि जो शत्रु कर्म के रूप में सुप्त अवस्था में अभी पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं कि आने दो, मौका आने दो, फिर मैं देखूंगा। और क्या करते हैं गुरु, गुरु अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने ध्यान से, अपने चिंतन से उसको जाकर खोजते हैं कि कहाँ छुपे बैठे ये लोग, कहाँ लेटे हुए हैं, चलो बेटा उठो, चलो आ जाओ, उनकी भी निजरा करते हैं अकाम निजरा। आचार्य भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि इसलिए ये साधु के लिए कहा गया हर क्षण हर पल सतर्क रहो, जागते रहो। जो हमारे डॉक्टर हैं वो हमेशा यही पूछते रहते हैं, आप कलकत्ता में हैं, और कलकत्ता में होकर के लेटर भेज देते हैं, उस पर लिख देते हैं जागते रहो, कमला नगर में सो मत जाना। कमला नगर के लोगों के बीच में रह करके ऐसा ना हो कि इनके उद्धार उद्धार के चक्कर में पता चला कि इनका उद्धार हो गया, उद्धार करने वाला डूब गया, ऐसा मत करना। भले ही कितनी भीड़ में रहना, किसी के बीच में रहना, कितनी ही भीड़ हो, पर नजर अपनी आत्मा पे रखना, इसको देखते रहना, कहीं विशुद्धि में अंतर तो नहीं आ रहा है। और विशुद्धि में अंतर आ रहा हो तो वो अगर प्रभावना की तरफ नहीं,
वृद्धि की तरफ है, वर्धमान चार्ज की तरफ है तो ठीक है, और नीचे की ओर जा रहा है तो और साधना बढ़ाओ। बोले 12 उपास करना है, 8 उपास करना है, इतने नीरस करना है, इतनी माला फेरना है, ना ये नियम लो 4 महीने में, ये तो करना ही करना है। जो रोज की क्रिया है वो भी करना है, और एक्स्ट्रा दे दी वो भी करना है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आत्मा में कहीं से कहीं तक कोई ढील ना आ जाए। तो महानुभाव, आज उस आत्मा को पावन पुनीत पवित्र बनाने के लिए ये स्वांग रचा जाता है, साधना का। स्वांग नहीं रचोगे तो कैसे करोगे? इसलिए उस आत्मा के चिंतन के लिए आज हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। टूटी फूटी साधना की हो, थोड़ी सी साधना की हो, एक उपास किया हो, 7 दिन का आसन किए हो या 10 दिन का आसन किए हो, बहुत बड़ी साधना है आपके हिसाब से, बहुत बड़ी साधना है। और साधना को प्रणाम है, साधना को प्रणाम है। और मैं तो कहूंगा कि आज इतनी की है, अगले साल और बढ़ा के करना। इसलिए मैं सबसे कहा, सबको मंच पे आओ, फोटो दिखाओ अपनी, कौन है, किसने क्या साधना की है। मैं चाहूंगा कि अगली बार और ज्यादा करना, क्योंकि साधना ही एक वो चीज है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो महानुभाव, आज किन किन की आत्मा पावन हुई, पवित्र हुई, पुनीत हुई, इस बात का चिंतन करना है। और चिंतन करके हमें आज क्षमा याचना करना है। और क्षमा देखना वही मांगेगा, मैंने पहले कहा है, जिसने साधना की होगी। कीटाणु छूट गए होंगे, अगर कीटाणु छूट गए होंगे पिछले संस्कार के, वो व्यक्ति क्षमा नहीं मांग सकता। और मांगेगा भी तो ऊपर पट्टी मांग लेगा, क्षमा कर दियो। प्रदीप जी कहेंगे, मनोज जी कहेंगे माइक से, अपन लोग खड़े हो जाएं, क्षमा याचना करें दूसरे से। व्यक्ति मन में क्या कहेगा, मैंने गलती कौन सी कर दी, क्षमा मांग लो यार, मेरी गलती कौन, मेरा ना कोई झगड़ा है, ना मैं किसी को कहता हूँ, अपने रास्ते आता हूँ, अपने रास्ते जाता हूँ, अब काहे की क्षमा। आचरण बोलने की क्षमा मांगो, गलती हुई हो या ना हुई हो, जाने अनजाने में। क्योंकि ये मुनिराज से शिक्षा लो कि जो मुनिराज प्रतिदिन दिन में 3 बार 4 बार क्या बोलते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभ ना राग देश मलिम सैन मनसा दुष्कर्म निर्मतम। इतनी हिम्मत है किसी में? बताओ, व्यक्ति दूसरे को पापी कह सकता है, पर कोई व्यक्ति अपने को पापी कहता है क्या? पर वो है मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु, जो दिन में 4 बार अपने आप को बोलते हैं, हे भगवान मैं पापी हूं, पापिष्ठेन दुरात्मना, मैं दुरात्म बुद्धि मेरी है, पापिष्ठेन दुरात्मना माया बिना माया भी हूं, छल करता हूं छल, दिखता कुछ और हूं, रहता कुछ और हूं, कहता कुछ और हूं, है ना, माया भी हूं, लोभी हूं, रागी हूं, देसी हूं, छली कपटी हूं, हे भगवान 4 बार दिन में ऐसा बोल रहे अपने आप के लिए। और कोई व्यक्ति दूसरा कह दे तो वो कहते क्या दिक्कत है, मैं तो खुद अपने आप के लिए बोलता हूं, बोलो अच्छे से बोलो, सामने होकर बैठ के बोलो, क्या दिक्कत है। बोले क्यों? अनंत भवों के संस्कार हैं, वो सहसा नहीं छूट जाते, लगातार प्रयास करना पड़ता है। एक बार अगर जमीन पर काई लग जाती है, काई जिसे चिकनाहट कहते हैं, है ना, उस काई को तो कितना भी घिस दो, पत्थर से घिस दो, किसी चीज से घिस दो, पर घिसने के बाद भी अपन देखते हैं, अगर उसको हल्का सा मौका मिल जाए एक दिन का, फिर से वहां आपने झाड़ू नहीं लगाई हो, पोछा नहीं लगाया हो, वो फिर पुनः काई लगना चालू हो जाती, जल्दी काई पकड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, कोशिश करते रहना कि आत्मा पर फिर से काई लगना चालू ना हो जाए। और काई तो पहले दिन से लगना चालू हो जाती है, इसलिए 1 साल तक, अगर 1 साल में तुमने रोज सफाई नहीं की तो कितनी मोटी काई लग जाएगी। और कितने लोग बाथरूम में इसलिए गिर जाते हैं, बोले गिर गए कि क्यों, कुछ चिकनाहट थी, पैर फिसल गया, कमर टूट गई, हाथ टूट गया, पेट टूट गया। तो आज ऐसी उस सरलता का दिन, सहजता का दिन है कि जहां हमें क्या करना है, एक दूसरे से क्षमा, खाली बाहर की नहीं, बाहर की भी मांग लो आदत डालने के लिए। और आज ही क्या उत्तम क्षमा वाणी आज ही है अशोक जी, क्षमा वाणी रोज है, क्षमा वाणी रोज है। जैसे जय जिनेन्द्र बोलते हो, और मैं तो आज कहूंगा अगर मुझे मेरी बात अच्छी लगे तो उसको अपना लेना,
जब जब भी किसी से आप जय जिनेन्द्र करो तो पीछे से ये भी कह देना क्षमा उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र के साथ उत्तम क्षमा भी बोल देना कि अगर धोखे से कहीं भूल से हल्की सी भी कोई हो सकता है, तुमने कुछ कह दिया हो, प्रदीप जी ने कुछ कह दिया हो, मनोज जी को बुरा लग गया हो, मनोज जी ने कुछ कह दिया प्रदीप जी को बुरा लग गया हो, तो जय जिनेन्द्र के साथ उत्तम क्षमा बोलोगे तो क्या होगा, यार क्षमा मांग रहा सामने वाला व्यक्ति। कह महाराज जी बोल रहे थे ना कि महाराज जी डांट देते हैं, डांटना तो महाराज का काम है, महाराज का काम डांटने का, डांटते क्यों है? जब देखिए सोने को जब कोई सुंदर रूप दिया जाता है तो उसको भी कूटा पीटा जाता है, तभी जाके वो सुंदर आभूषण बन के निकलता है और फिर उसके बाजार में कीमत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए कूटना पीटना जरूरी है ना, डांटना जरूरी है, क्योंकि महाराज चाहते हैं कि बिहार सागर का चेला, अभी हमारे जगदीश जी जोर जोर से बोल रहे थे माइक में, महाराज जी के प्रभावी शिष्य बिहसंत सागर जी महाराज जिन्होंने ऐसा किया, कितनी खुशी हो रही थी कि हाँ चलो मेरा चेले ने ऐसा कोई काम किया, खुशी हो रही थी, ना तो बस क्यों डांटते हैं, यही शब्द सुनने के लिए डांटते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों से आशा रखता है, एक गुरु भी अपने चेलों से आशा रखते हैं कि तुम मेरे अनुसार चलो अपने अनुसार नहीं, जब तुम अलग जाओगे तो अपने अनुसार चलना और जब तक साथ में हो तो हमारे अनुसार चलो, क्योंकि मैं तुम्हें हीरा बनाना चाहता हूं जीरा नहीं, मैं तुम्हें हीरा बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने से भी ज्यादा, क्योंकि कहां रह जाए चेला शक्कर हो जाए, क्या चाहते हैं जैसे गुरु की सोच होती है तो गुरु क्या चाहते हैं, कल के दिन कोई ये ना कहे अरे यार बिहार सागर के चेला हैं पर तो लगते ही नहीं देख करके, उनके उठने से बैठने से खाने से पीने से लगते ही नहीं है बिहार सागर के चेला हैं, इनकी चरिया ही अलग है, इनका सोच विचार ही अलग है ना, नहीं मैं चाहता हूँ कि लगना चाहिए जैसे जाके नदी नारी वैसे बाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे बाके लड़का, लगना चाहिए किसका खून है किसके पुत्र हैं, है ना, मैं बुझ चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ शिष्य का नहीं, मैं तो शिष्य के पूरे परिवार को देखता हूँ कि तुम जब घर छोड़ करके मेरे भरोसे आए हो, घर छोड़ करके माँ बाप ने हमारे भरोसे छोड़ा है, तो हम चाहते हैं माँ बाप को कभी फील ना हो कि मेरे बेटे ने घर छोड़ के कोई गलती नहीं की, कि जिसको गुरु बनाया उसने उनको ऐसा पारखी समझ करके लिया है और सुंदर सुंदर रूप बनाया है उनका, ये गुरु से एक आशा रखते हैं माँ बाप, परिवार के लोग समाज के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच के ले जाएंगे, अरे महाराज बिहार समाजी जब ऐसे हैं तो उनका चेला कैसा होगा, एक चावल देख करके सारे चावल का अंदाजा हो जाता है हमारी माता बहनों को, होता नहीं होता है ना, इसलिए कभी कभी जब देखता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है वहाँ डांट देता हूँ, पर डांटने के बाद सोचता हूँ कि यार क्या मैं क्यों डांट दिया, पहले डांट दूंगा अपना काम कर दूंगा फिर उसके बाद देख लूंगा कि आधा घंटा हो गया, आधा घंटे बाद पछता नहीं है, पेट में दर्द होने लगता है, मन नहीं लगता, तुरंत वापस जाऊंगा, भैया क्षमा करना, क्षमा कर देना, मन में कुछ मत रखना, मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसा विचार नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप हमसे भी ज़्यादा प्रभाव ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बाबा टोकता हूँ रोकता हूँ कि दुनिया कोई टोके, कोई व्यक्ति दूसरा टोके, दूसरा व्यक्ति कोई उंगली उठाए, इसलिए मैं ही पहले ही कर देता हूँ कि नहीं साफ़ सफाई रखो, क्योंकि एक माँ ही तो बच्चा तो खेलने में लगता है बच्चे का, उसे तो खेलना अच्छा लगता है, ना उसको भूख लगती है खेलते समय, ना उसको प्यास लगती है, ना उसको कपड़ों का ध्यान होता है, ना उसको बाल का ध्यान होता है, पर एक माँ को लगती है कि मेरा बेटा है, टाइम से डांटती है चल खेलते ही रहेगा, चलो इधर आओ कैसे कपड़े कर लिए, क्यों लोग देखे तो क्या कहेंगे, तो कपड़े चेंज करो, क्या करेगी, अगर हल्का सा भी खेल के आएगा तो तुरंत उसके सिर पे बाल मान हाथ फेर देगी, तो कैसे बाल कर लिए, तो शर्म नहीं आता है खेलने में, तो मजा आता है कैसे कपड़े कर लिए, कैसे कर लिए गंदे, है ना, चलो कपड़े चेंज करके आओ, चलो ये तेल पानी लगाओ, थोड़ा तेल चमका दिया बच्चे को, भाई अपना बच्चा है कोई क्या कहेगा, है ना, माँ अपने से ज़्यादा तेल तो बच्चे को डाल देती, कभी कभी अगर गर्मी लग जाए थोड़ी सी तो तेल चपकता है, क्यों, अरे अच्छा लगना चाहिए कोई बात नहीं, कितनी पवित्र भावना है कि नहीं बच्चे के प्रति माँ की, वही पवित्र भावना गुरु की होती है, तो आज महानुभाव क्योंकि टाइम बहुत है, चर्चा बड़ी है क्षमा वाणी की, पर यही समेट करके क्योंकि आहाचर्या का टाइम दूसरी बेला में आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे आज क्षमा वाणी मनाएंगे, पर क्षमा वाणी भी
अलग से मनाएंगे। कैसी मनाओगे? है ना, जब अपन क्षमावाणी पहले हम लोग मनाएंगे क्षमावाणी, है ना, पर उसके बाद तुम लोग मनाना, पहले हम लोगों की देखो फिर अपनी मनाना। और मनाओ कैसे? हर व्यक्ति खड़े हो जाना अपने अपने स्थान पर, महिलाएं खड़ी हो जाना, महिलाएं चाहे बगल में तुम्हारे जान पहचान की हो या ना हो, ऐसा नहीं, जो जानती है तो उसके पास जल्दी से क्षमा, उत्तम क्षमा उसको तो रोज मांगते ही हो, उससे मांगो जिससे तुम कभी देख करके, अनजान व्यक्ति बैठा उससे भी मांगो, है ना, अनजान बैठा उससे मांगो, जिसको नहीं जानते उससे भी मांगो, और क्षमा मांग के अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए, है ना, ऐसे क्षमा मांगना। जो बड़े लोग हैं अपन से, बुजुर्ग हैं, उनके पैर छू लेना, पैर छूने में बड़े अपन बूढ़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, पर जब पैर छूओगे उनको लगेगा कि देखो इनके अंदर कितना लघुता है, कितना लघुता है। और बड़ा का, जब बड़े का कोई पैर छू रहा हो तो उसको गले लगा लेना, कह रहा है पैर मत छू भाई, तो गले लग जा, ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। तो इसलिए लघुता भी दिखाना है और बड़प्पन भी दिखाना है, और दोनों के साथ क्षमा याचना मांगना है। और क्षमा का मतलब मैंने कहा ना, आज से क्या करना, ओम जय जिनेन्द्र के साथ क्षमा भी। हाँ, जितने पुजारी रोज पूजा करते हैं, पूजा अभिषेक होने के बाद आपस में एक दूसरे क्षमा जरूर मांग लिया करो, कि ना मालूम किस पुजारी से किस पुजारी को ठेस लग गई हो, किस पुजारी से किस पुजारी को मन में कोई बात लग गई हो, और वो तुम अब भले अभिषेक कर रहे हो पर नीचे बैठा बैठा घुन्ना रहा है, कर ले तू ही, कर ले सब कुछ, तू ही ले ले सब कुछ पूरा आशीर्वाद, तू ही मोक्ष मिल जाएगा तेरे को, चल कर ले, कर ले, है ना। कोई कहे भैया चलो अभिषेक कर लो, अभिषेक कर लो, अरे कर ले दो उसको, कर ले दो उसका पेट भर जाए पहले, मैं तो खा लूँगा, मैं तो संतोषी हूँ। हो सकता है, है ना। तो इसलिए क्या है, सबसे भैया पूजा पाठ हो गई, भैया देखो कोई किसी को मेरी बात बुरी लगी तो क्षमा कर देना, बोल देना चाहिए तुरंत, क्या दिक्कत है, है ना। और तुम्हें तो पता चल जाए कि इसको जरूर बुरा लग रहा है तो उससे तो गले मिल लो, गले मिल ले भाई, तू कोई बात नहीं है, तू तो चिंता मत कर, ये उसी का नाम तो तुम क्षमा पाणी है। तो पता चला आज हाथ जोड़ लिए क्षमा और साल भर टेढ़ी मेढ़ी आँख करो और घुनाओ, अगर पीछे खड़े होने का मौका मिल जाए, लाइन लग जाती, लाइन लंबी लाइन, लाइन लग जाती है। उस समय देखो मैं देखता रहता था, 10 दिन जब लाइन लगती थी मैं एक दूसरे को देखता रहता था, यही किसके कैसे भाव चल रहे हैं, किसका कैसा मन हो रहा है, ना लोग जाहिर नहीं करते थे, ऊपर से तो हंसते ही रहेंगे, पर कोई कोई हिम्मत करके मुझसे कह भी देता था, महाराज चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, क्यों चलाए तुम, अच्छे से रहो, खुश रहो, खुश करो ना। लग सकता है कई बार भैया बती में लोग अपनी भी बात निकाल के धीरे से रख देते हैं, है ना। इसलिए पता चल जाता है धीरे धीरे कि ये क्या क्या कारण हो सकता है। इसलिए मंदिर में इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर में भी हमें एक दूसरे की बात बुरी लग रही है या लग सकती है, तो इसलिए तुरंत के तुरंत क्षमा कर दो। अगर इकट्ठा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, एक साल में क्षमा वाणी आती है, जब तक तो 6 महीने में तो आचार्यों ने कहा है कि अनंतानुबंधी कसाय बंद हो जाती है, और एक साल में तो क्या हो जाएगा, बैर बैर हो जाएगा, है ना। ऐसा ना हो, इसलिए ऐसी इमेज बना के रखें हम कि पहले यहाँ के लोगों से क्षमा याचना करके रखें, फिर भगवान से मांगें, गुरु से मांगें, जिससे हमारा मोक्ष जल्दी हो जाए और हम उस मोक्ष सुख में जा कर के अपने अनंत चतुष्टय का अनुभव कर सकें, उस अनंत चतुष्टय का स्वाद चख सकें। तो क्यों, जब हम यहाँ से क्षमा मांगना चालू करेंगे, झुकने से कभी भी हम छोटे नहीं होते, होते क्या छोटे नहीं होते। अशोक जी आज सारी सब चीज छोड़ दियो, किसी से किसी तरह का अपन को राग द्वेष नहीं रखना है, अपन ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े ही बनना है, ये तो बड़े काम करके और कसाय रख ली मन में तो छोटे हो जाएंगे अपन, पता चला इतना किया क्या फायदा। हमेशा आगरा के नज़दीक में ही फिरोजाबाद है, छिदामी लाल जी के बारे में हमेशा एक बार चिंतन रोज कर लिया करो, जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, इतना पैसा दान किया, इतना बड़ा मंदिर बनवाया, पर उसकी मृत्यु सोचनी है कि जिस व्यक्ति को बताओ घर के ही नौकर ने मार दिया, 3 दिन तक किसी को पता भी नहीं चल पाया, है ना। सोचो कि जो व्यक्ति इतना बड़ा काम करके उसकी मौत ऐसी हो सकती है, भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, है ना। इसलिए किसी से, हर किसी से, जब कोई भी हो,
भैया रोज भैया क्षमा, शाम तक तो सुबह से शाम तक डांट दो, पर शाम को सबसे जब विदा करो बेटा कोई बात की बुरी मत मानना, मैंने तो अपना समझ के बेटा ऐसा बोला है, ऐसा किया है, व्यवस्था के हिसाब से किया है, क्षमा करना, अगर कोई गलती हो क्षमा करना। रोज क्षमा मांग लो, हर पुजारी से क्षमा मांग लो, फिर भगवान से मांगो बाद में, पहले छोटे छोटे भगवानों से मांग लो, क्योंकि इनके अंदर हर किसी की आत्मा में भगवान बनने की शक्ति छुपी हुई है, और भगवान से क्षमा मांग लो, क्योंकि इन भगवानों ने क्षमा कर दिया तो ये भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं क्षमा करने के लिए, गुरु तैयार बैठे हैं ना। इसलिए महानुभाव आज हम लोग क्षमा मांगेंगे एक दूसरे से, अभी मैं बताऊँगा कैसे मांगोगे, पहले हम लोग क्षमा याचना कर लेंगे बार ना। बोले महावीर भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, अगर आपके अनादर अभिनय हुआ हो, मेरे मन में सपने में भी आपके प्रति कोई ऐसा विचार आया हो है ना, तो मुझे त्रय भक्ति से नमोस्तु करते हुए मैं क्षमा याचना करता हूँ, हे गुरुदेव मुझे क्षमा दान दें, जिससे मेरी आत्मा है ना आपके चरणों में रह करके समाधि मरण को प्राप्त हो, क्योंकि मोक्ष तो अभी है नहीं, पर समाधि मरण हो, और अच्छे से अच्छा समाधि मरण हो, आपकी गोदी में सिर रख करके समाधि मरण हो, और आपके मुख से मेरे कान आपका मुख उससे संबोधन शब्द निकलते रहें, और मैं सुनते सुनते अपने समाधि मरण करूं ऐसी भावना के साथ, और उसके बाद अपने हमारे साथ में रहने वाले तो पहले हमें तो बोले दो, फिर तुम बोलियो, नहीं नहीं पहले नहीं, नहीं पहले हम एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, अरे तुम बाद में बोलियो, आपने मैं रोक दिया था कि प्रवचन के बाद क्षमा वाली मनाएंगे, पूरा पहले हम बोल रहे हैं, अरे हेलो हाँ, और अब उसके बाद हमारे सुनो हमारे मुनि ब्रजेश सागर जी महाराज जो थोड़े चंचल हैं, थोड़ा सा एक बच्चा दिमाग हल्का सा कहीं ना कहीं, और वह अपन देखें उनके अंदर एक लघुता बहुत है, सहजता बहुत है, सरलता बहुत है ना, पर और उनके बाद उनको भी मैंने खुद कहा कि महाराज डांट देते हैं ना, और मैंने भी कहा कि हाँ मैं डांट देता हूँ, और उनके लिए भी उनसे कहूँगा कि इन सालों में जब से आप मुझे भी आप भी क्षमा करेंगे, मेरी बातें कोई भी मन में नहीं रखेंगे, दिल में नहीं रखेंगे है ना, एक एक शब्द मेरा जो है वो एक तुम्हारी कल्याण के लिए मुझे क्षमा करेंगे, और साथ में छुल्लक जी अपने वकील साहब अनापनी आगरा के हैं, उनसे भी मैं पुनः क्षमा मांगूंगा कि आपको भी मैंने डांट दिया हो, कुछ कह दिया हो, तो आप भी हमें क्षमा करेंगे, संघ के दीदी भैया अब दीदियाँ भी हैं नहीं यहाँ पर, उनसे भी क्षमा याचना, और हमारे छोटू भैया शुक्ला भैया जितने भैया सुनील भैया सबसे क्षमा याचना, और हमारी कमेटी जो कमेटी है बरसा योग कमेटी हो मंदिर कमेटी हो है ना, उन सब सभी कमेटियों से भी हो सकता है आने में जाने में चौके में कभी चौके में ज़्यादा लफड़ा हो जाता है, महाराज तो हमारे यहाँ आई नहीं, महाराज तो नहीं उन्हीं के चले गए है ना, कोई भाव आ सकता है ना, तो वह भी सभी लोग क्या करेंगे मुझे क्षमा दान देंगे ना, आज आप दान दो है ना, और पूरे सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं चाहे हमारे शालीमार से हों कर्मयोगी से हों ना पूरे संपूर्ण आगरा की किसी भी शैली से हों, उन सभी लोगों के लिए भी आशीर्वाद के साथ उनसे भी उत्तम क्षमा कि मैं वह सब लोग भी हो सकता है मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, मेरी बात कोई दिल में ले ली हो, हृदय में लग गई हो, चोट लगी हो, वो सभी लोग भी क्या करेंगे मुझे रोज़ क्षमा करेंगे, आज ही नहीं मैं तो रोज़ मांगूंगा रोज़ क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी आत्मा हमेशा कंचन की तरह चमकती रहे ना। हमारे जिनेंद्र कुमार जी ना सुषमा जी जो कि भिलाई से अपने बीच में पधारे हैं, उनके बहुत प्रेम स्नेह पूरे छत्तीसगढ़ का मुझे मिलता रहता है ना, उनसे भी अनिल भाई देवता से सभी लोगों से उत्तम क्षमा ना, कोई भी मेरी बात को अन्यथा बुरी नहीं मानेंगे, सारे बच्चे जो पूरी सेवा में 4 महीने से यहाँ पर लगे हुए हैं उन सब बच्चों के लिए भी ना, सभी लोगों के लिए जिन जो सेवा में लगे हैं उन सबसे क्षमा याचना करते हुए ना पूरे महावीर भगवान ने की हुआ हूँ वो भी महाराज से की देन,
गुरु शिष्य वात्सल्य अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मंच पर, इससे बड़ा क्षमावाणी और क्या हो सकती है। यहाँ आंसुओं से गुरु के चरणों को धो रहे हैं शिष्य अपने गुरु के, और उधर गुरु ने पहले झुककर अपने शिष्य से क्षमा मांगी। यहाँ भी लघुता, दोनों तरफ लघुता, ये दृश्य स्वयं देखिएगा और तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। ये जीवंत उदाहरण आपके सामने है, जब गुरुदेव अपने संग में बैठते हैं तब अपनी लघुता दिखाते हुए अपने छोटे से छोटे शिष्य से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। और जब शिष्य गुरु की इस लघुता को देखते हैं, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं और कहते हैं कि सदैव आपका ऋण हम पर रहेगा गुरुदेव, आप हमको क्या क्षमा दान देंगे, हम तो सदैव आपके चरणों की धूल बने रहना चाहते हैं। बोले गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। और एक मिनट गले मिलने, गले मिलने से गिले सिक भी सब खत्म हो जाते हैं। देखिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, सारे लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। इस दृश्य को जीवन भर याद रखिएगा, आप सब लोग हाथ जोड़कर देखिएगा कैसे दो दिगंबर मुद्राएं, चाहे वो गुरु शिष्य क्यों ना हो, लेकिन इस लघुता को यहां प्रणाम कीजिएगा। आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, दोनों तरफ से क्षमा, एक देते हुए एक मांगते हुए। बोले राज चंद मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री विजय सागर जी महाराज की। बोले झुल्लक श्री विश्वोत्तर सागर जी महाराज की। चलिएगा, कुछ देर के बाद ये क्षमा मिलन हम भी करेंगे, लेकिन पहले भगवान की धारा देखेंगे, कलशाभिषेक देखेंगे। आज के सौधर्मेंद्र नरेंद्र कुमार जी जैन फर्नीचर अभी जाएंगे, भगवान को लेकर आएंगे, साथ में अन्य इंद्र भी माला मुकुट पहनाकर सब आएंगे, चंवर हाथ में लेकर आएंगे और साथ में भगवान को लाएंगे। इस समय देवशास गुरु के समक्ष क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मर्तियां होती हैं जब हम नाम लेते हैं, एक का नाम लेते हैं छह का छोड़ देते हैं, मन को बुरा लगता है, लेकिन मंच संचालक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपने परिवार का नाम भी नहीं ले सकता जब तक कि मंच की अनुमति ना हो। मंच की गरिमा को बनाते हुए कई कई बार लगता है कईयों के दिल टूटे होंगे, उन सब के लिए उत्तम क्षमा। और सर्वति पटंति तेज सुदिनेर धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। चलिए भगवान जी विराजमान कर लिए अपन लोगों ने। वो पुस्तक लेके आ रहा है। हाय दिनेश भाई, जरा वो नित्य अभिषेक आदि की जो एक आपकी डायरी है वो और दे दीजिए। चलिए है, मिल गई। चलिए ओम प्रेम तक्षात प्रत्याय पुष्पांजलि छिपामि, पुष्पांजलि छिपन कर लेंगे, पुष्पांजलि छिपन कीजिएगा। हाँ
अब क्या करेंगे, श्री लेखन हो ही गया उस पर उंगली रख देंगे। ओम ब्रीम श्री श्री सौधर्म इंद्र एक तरफ आ जाए, दूसरी तरफ ध्रुव बेटा एक तरफ, दूसरे इंद्र है जो आज के मुख्य, उनको लाइए। आप सिंहासन से हाथ लगा लेंगे, ध्रुव नीचे हो जाए आप। ओम ब्रीम धरती तीर्थ नाथ भगवान जी सिंहासन दृष्टि ठाटा स्थापना। अब चारों तरफ में चारों कोनों में कलश रखेंगे, विराजमान करेंगे कलश। चीरो दधी के जल से भरे कलश ले आया, दृग सुख बीरज ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया। मंगल कलश विराजित करता हूँ जिन राज, परिणामों में प्रक्षालन से सुधरे काज। ओम ब्रीम अरम कलश स्थापनम करो मी। आठों द्रव मिलाकर अर्घ बनाया, अष्ट अंगी मानो सम्यक दर्शन पाया। सिरजिन वर के चरणों में ये अर्घ समर्पित करो आज रागादि विकारी भाव विसर्जित। ओम ह्रीम श्री कृष्ण पने पीठ स्थाय जिनाय अर्घम नृपामी स्वाहा। दोनों इंद्र सौधर्म इंद्र और आज की जिन्होंने माल की बोली ली है, दोनों पात्र हाथ में कलश लेंगे, बाकी इंद्र सहयोग करेंगे। दूरा सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसराग्नि परम देव भर क्षेत्र आर्यघंटे भारत से आगरा उत्तर प्रदेश से आगरा जिले से आश्रय मुनि सब जिले और की बोली वो परिवार आगे आ जाए। और प्रदीप भाई साहब, आदरणीय बाबू जी, चंदा बाबू जी, शिखर चंद जी, पारस बाबू जी और हम सर्वांग शुद्धिम करो मी स्वाहा। चंदन लगाने अभी अभिषेक नहीं किया भैया ने, हो गया बस, ये भैया ने अभिषेक कर लिया था। अभी तो सौधर्म इंद्र हमारे नरेंद्र कुमार जी शांत लघु शांति धारा करेंगे और जो आज के बोली दाता उनका सहयोग करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ऐं अर्हम बम मम हम सम तम पम पम हम सम तम तम पम पम झम
झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पट पचे पाचे पाचे ओम नमो अर्हं झम झीम छीम हम सम झम बम वा पा आ छाम छीम छूम छीम छईम छूम छौम छम छह छीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रम ह्रा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते भगवत तर्जनेन जनाभिषेक यामिति स्वाहा ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलम साय दीप्ति जो मूर्त श्री चरण शांति कर रहे सर्वज्ञ प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत छत्र पत्रो विनाशनाय सर्व छाम ढामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्य औष नम मणि आरिका श्राव साविका प्राणी मात के जी समत दिगमत जैन समाज सापरिवार सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देश राष्ट्र पुरुष राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र 24 दिन भगवान की अनंत अनंत परमेश भगवान की चलेगा गंधोदक दीजिएगा और जब तक माल की जो बोली है ले लेंगे अर्ग उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप पदार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन कई अभिषेक महामने ओम रिम अभिषेक कांति शांत तारा कांति जल फलादि अर्घम निरपामित चलिए एक अर्घ और ले लेंगे अच्छा श्री अर्घ ले लेंगे।